वेलकम टू टेक गुरुकुल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स डिटेल में किया है, बूलियन अलजेब्रा किया है। यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखी हो तो इनको आप देख लें ताकि आप अच्छे से इन आने वाली वीडियोस को समझ पाएं। इस लेक्चर में हम सॉप फॉर्म से पॉस फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे। हम रिकॉल करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या किया था। एसओपी फॉर्म कोई थी तो उसके रिप्रेजेंटेशन थी कि ए की वैल्यू यदि जीरो है तो उसको हम ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि ए की वैल्यू वन है तो उसको हम सिंपल ए से डिनोट करते हैं। जो पॉस फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन थी वो इससे अपोजिट थी, उल्टी थी, रिवर्स थी कि ए की वैल्यू जब जीरो है तो इसको ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि उसमें ए बार से रिप्रेजेंट करते थे हम। जब इसमें ए की वैल्यू वन होगी देन इसको हम बार से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा जो हम इस लेक्चर में हम यूज करेंगे वो डी मॉर्गन्स थ्योरम हम यूज करेंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम हमने पहले भी की है बूलियन अलजेब्रा में। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहते हैं कि यदि इस तरह से कोई भी तीन वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट है जो आपस में क्या है ये एंडिंग है या मल्टीप्लाई है, तो ये कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअली ब्रेक हो जाएगा इस तरह से, और उनके बीच का जो डॉट साइन था या एंडिंग थी वो ऑरिंग में चेंज हो जाएगी, या मल्टीप्लीकेशन था वो प्लस में चेंज हो जाएगा। इसका उल्टा भी ट्रू है। क्या है, यदि ए प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट है कोई, तो ये कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअली ब्रेक हो जाएगा और ये जो प्लस साइन था ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद यदि किसी नंबर का डबल कॉम्प्लीमेंट है, किसी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट है इस तरह से, तो वो आपस में कैंसिल होके वो सिंपल वेरिएबल रह जाएगा। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किया है कि इस तरह से कोई भी मिक्स टर्म हम निकालनी है तो यदि मिन टर्म्स का हम, मिन टर्म्स क्या है बेसिकली कि जो एसओपी फॉर्म के अंदर जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उन इंडिविजुअल टर्म्स को मिन टर्म्स कहते हैं, और पॉस फॉर्म के अंदर जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उनको मिक्स टर्म्स बोलते हैं। ये हमने डिटेल में किया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, और इन वीडियोज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बूलियन अलजेब्रा के लिए भी, एसओपी फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए भी, प्रोडक्ट ऑफ सम्स के लिए भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की वीडियोस को समझने के लिए। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में हमने लिख रखा है कि रिप्रेजेंटेशन क्या है मिन टर्म्स की और मैक्स टर्म्स की। ये यहां पर डेसिमल इक्विवेलेंट है जीरो से लेके सेवन तक। यहां पर तीन वेरिएबल हैं। ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने किया कि यदि कोई वेरिएबल दे रखे तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें 2^n के फॉर्मूले से निकालने। हमें एन जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। यहां पर जैसे तीन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, इट मींस के 2^3 8 वेरिएबल्स हैं, या 0 से लेके 7 तक। इसके बाद यहां पर मिन टर्म्स लिखी गई हैं इनके लिए। देखिए 0 0 0 के लिए मिन टर्म लिखी है ए बार बी बार सी बार, क्योंकि एसओपी फॉर्म के लिए मिन टर्म्स लिखते हैं हम, और हमें पता है कि जो एसओपी फॉर्म है उसमें 0 को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी 0s के लिए हमने यहां पर मैक्स टर्म्स लिखी हैं, जो जीरो के लिए ए लिखा गया है, बी सी मतलब के सिंपल नंबर लिखा गया, जो रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां पे बताई थी। इसका मिन टर्म्स का ये उल्टा है, ये रिवर्स है मिन टर्म्स का, जो यहां पर मैंने बताया था कि मैक्स टर्म जब हमें लिखनी हो तो मिन टर्म्स का हम इस तरह से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, या हमें मिन टर्म्स लिखनी हो तो मैक्स टर्म का हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। अब ये कोई एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। ये कोई एग्जाम्पल है जिसमें तीन वेरिएबल दिए हुए हैं और यहां पर सिग्मा एम हमें पता है कि ये सिग्मा एम एसओपी फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन है, कि ये एसओपी फॉर्म में ये दिया हुआ है क्वेश्चन हमें। अब इसको हमें पॉस फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे, इसको जब हम पॉस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब कि इसको यदि हम यहां पर कॉम्प्लीमेंट कर दें, ए बी सी इसको कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो इनकी जो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स कौन सी होंगी जो इसके अंदर नहीं है। मींस के जब कोई भी एसओपी फॉर्म हम लिखते हैं तो वो हाई आउटपुट के लिए लिखी जाती है, वंस के लिए लिखी जाती है, जैसा ट्रुथ टेबल में हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में। तो यहां पर जब इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो यहां पर उन वंस के अलावा जो बचता है वो हम लिखेंगे, मींस के जीरो के लिए हम लिखेंगे बेसिकली। तो इसको हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया और इसको सिग्मा एम जो यहां पर टर्म्स बची हुई है, बची हुई कौन सी है, जैसे ये सेवन तक है, ये थ्री वेरिएबल है। थ्री वेरिएबल पहले देखना आपको कि थ्री वेरिएबल है मींस कि जीरो से लेके सेवन तक वेरिएबल्स हैं इसमें। तो यहां पर मिसिंग क्या है, जैसे
0 मिसिंग है, 1 है, 2 है और 5 है. इट मींस कि ये टर्म्स जीरोस के लिए थी क्योंकि वंस के लिए लिखा हुआ था. यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे. इसके अलावा जो भी बची हुई टर्म्स हैं वो हम यहां पर लिखेंगे जो इस तरह से हमने लिखी है. अब इन टर्म्स के लिए हम यहां पर एक्सप्रेशन लिखेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे. यदि इसको हम इन टर्म्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये टेबल दी हुई है यहां पर. जैसे जीरो है, ये जीरो के लिए लिखा गया है इन टर्म्स, ये वन के लिए, टू के लिए, अप टू 7 तक इस तरह से है. यदि फिर भी आपको टेबल नहीं देखनी, यदि आपको इंस्टेंटली कोई क्वेश्चन करना है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स को, यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये एम जीरो के लिए है प्लस ये एम वन है यहां पर प्लस उसके बाद एम टू है प्लस यहां पर एम फाइव. इस एम जीरो का मतलब है कि ये किसी जीरो के लिए मिनटर्म लिखी हुई है. उसके बाद इस एम वन का मतलब क्या है यहां पर कि ये किसी वन के लिए मिनटर्म लिखी हुई है. उसके बाद टू का मतलब है कि ये किसी टू के लिए मिनटर्म लिखी हुई है और एम फाइव का मतलब है ये किसी एम फाइव के लिए लिखी गई है. तो इस तरह से हम यहां पर इनका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. ये एसओपी फॉर्म है. एसओपी फॉर्म में जीरो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से. तो तीनों जीरो जीरो है, तीन वेरिएबल है ए बी और सी. तो इन तीनों जीरो को हम क्या लिख देंगे यहां पर, ए बार बी बार सी बार प्लस. उसके बाद यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन है, तो ये ए बार, दिस इज बी बार एंड सी. उसके बाद इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस जीरो के लिए ए बार बी सी बार. आफ्टर दैट यहां पर वन है तो ए आ जाएगा, जीरो है तो बी बार आ जाएगा और वन है तो यहां पर सी आ जाएगा. तो इस तरह से हमने ये टर्म लिखी है किसके लिए, इसके लिए जो एफ ए बी सी था उसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया था. अब इस कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए, इस कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करें, दोनों तरफ से हम कॉम्प्लीमेंट कर दें. हमने देखा था कि वहां पर जब डबल कॉम्प्लीमेंट किसी का हम करते हैं इस तरह से तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है. तो इस टर्म का हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मींस कि ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी एज इट इज लिखना हमें. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे हम ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी और इसका होल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे क्योंकि हमने इस साइड भी कॉम्प्लीमेंट किया. अब यहां पर ये डबल कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा, वहां पर हमने देखा था. तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज एफ ए बी सी, मींस के तीन वेरिएबल हैं किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन के. और यहां पर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करेंगे, जो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम थी. यहां पर जब इसको हम ब्रेक करेंगे, यहां से ब्रेक करेंगे, यहां पर यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा और ये जो साइन है ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा. ये साइन डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका इंडिविजुअल बार आ जाएगा यहां पर. क्या बनेगा ये, दिस इज ए बार बी बार सी बार, तो ये था ही, और एक बार ये ब्रेक होने के बाद ये बार और डॉट इस तरह से हो गया. देन ए बार बी बार सी और इसका होल कॉम्प्लीमेंट जो ये ब्रेक होने के बाद कॉम्प्लीमेंट आया है. उसके बाद ये निशान यहां पर डॉट है, मल्टीप्लीकेशन है, देन ए बार बी सी बार और ये कॉम्प्लीमेंट. फिर ये निशान चेंज हो गया, यहां पर इसका ऑपरेटर चेंज हो गया और की बजाय एंड हो गया, तो ए बी बार सी और ये कॉम्प्लीमेंट. अब इनको फिर से हम डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करके इनको लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं यहां से, जैसे तीन वेरिएबल है, यहां पर तीन वेरिएबल का दे रखा था जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट था. जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये तीनों यहां पर इंडिविजुअली आ जाएंगे. तो इस तरह से अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे, ये होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको जब ब्रेक करेंगे ये टर्म्स हमारी आ गई इस तरह से. इनको हम यू लिख सकते हैं, एक ही बात है ये, इस तरह से. अब ये जो टर्म है यहां पर, इस कॉम्प्लीमेंट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो ये तीन जगह से ऐसे ब्रेक हो जाएगा. तो इस ए के ऊपर एक बार ऑलरेडी था यहां पर, एक बार ये ब्रेक होने के बाद ए डबल बार और बीच में जो डॉट है, मल्टीप्लीकेशन है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, बी डबल बार प्लस सी डबल बार. इस तरह से एक बार ऑलरेडी था और एक बार डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करके जो ब्रेक हुआ है वो. देन यहां पर ए एक बार पहले से था, एक ये ए डबल बार हो जाएगा प्लस
ये b डबल बार हो जाएगा प्लस यहां पर इस पे बार नहीं है तो सिर्फ एक ही बार बार आएगा यहां पर, उसके बाद यहां पर इसी तरह से a पहले से बार है तो डबल बार प्लस b बार क्योंकि एक बार बार आएगा यहां पर और c डबल बार। फिर इसके लिए क्या आएगा, दिस इज a बार प्लस b डबल बार प्लस c बार और डबल बार इस तरह से आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहां पर ए प्लस बी प्लस सी बार, उसके बाद यहां पर ए प्लस बी बार प्लस सी, देन ए बार प्लस बी प्लस सी बार। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा जो पॉस फॉर्म है यहां पर, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम्स कहते हैं। तो इस तरह से अब इसको यदि हम इनकी टर्म्स लिखना चाहें, देखो यहां पर ये किसके बराबर है, ये टर्म, दिस इज टर्म मेंट फॉर ए प्लस बी प्लस सी, एम जीरो के लिए है तो इसको यहां पर एम जीरो लिख सकते हैं हम। उसके बाद ये जो टर्म है ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी प्लस सी बार, ये एम वन के लिए है डॉट। उसके बाद ए बी बार सी, ए बी बार सी कहां पर है, ये दिस इज मेंट फॉर एम टू। और उसके बाद ए बार बी सी बार, ये एम फाइव के लिए है। तो ये मैक्स टर्म्स हैं और इनको यदि हम लिखना चाहें तो इस तरह से पाई एम जीरो वन टू फाइव। तो इस तरह से आप किसी भी एसओपी फॉर्म को पॉस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, आपकी कोई क्वेरीज है कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉस फॉर्म से एसओपी फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे। थैंक यू।